हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी मीना, सहायक आचार्य सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ अलवर। आज मैं आपकी बीए पार्ट टू की रूरल सोशियोलॉजी प्रश्न पत्र पढ़ाऊंगी। इसमें आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, कृषक समाज की अवधारणा। कृषक समाज क्या होता है, कृषक समाज से हमारा क्या तात्पर्य है? तो कृषक समाज की अवधारणा को समझने के लिए आवश्यक है कि हम विभिन्न विद्वानों के विचार इसके बारे में जानें, क्योंकि कृषकों से ही कृषक समाज का निर्माण होता है। चैम्बर्स 20th सेंचुरी डिक्शनरी के अनुसार कृषक वह है जो एक ग्रामीण है, एक देहाती है, जिसका व्यवसाय ग्रामीण काम है, और कृषक वर्ग वह है जिसमें कृषक या भूमि को जोतने वाले देहाती श्रमिक का समूह आता है। आंद्रे बिताई इसके बारे में कहते हैं कि कृषक समाज के तीन अर्थ हैं। पहला, कृषक भूमि से जुड़ा होता है। वह न केवल भूमि पर रहता है बल्कि वह उसे अपने श्रम से लाभदायक बनाता है। कानूनी दृष्टि से भी वह भूमि का स्वामी है। उसे किराए पर जोतने वाला या बिना भूमि अधिकार के भी एक श्रमिक हो सकता है, लेकिन इन सब स्थितियों में वह अपनी आजीविका श्रम द्वारा कमाता है। कुछ लोग कृषक शब्द का प्रयोग भूस्वामी किसानों के लिए करते हैं, तो कुछ अन्य इसमें किराए पर भूमि जोतने वालों या भूमिहीन श्रमिकों को भी सम्मिलित करते हैं। नंबर दो, समाज में निम्न स्थिति। ऐसा माना जाता है कि अधिकांश समाजों में कृषक की स्थिति निम्न होती है। वे लोग जो कृषक के परिश्रमी, सरल तथा मित व्ययी होने की प्रशंसा करते हैं, स्वीकार करते हैं कि समाज में उनकी प्रतिष्ठा ऊंची नहीं होती। स्त्रीकरण के क्रम में कृषक वर्ग की स्थिति पर न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी विचार किया जाता है। इस वर्ग के लोग यदि उस भूमि के स्वामी भी होते हैं जिसे वे जोतते हैं, तो भी उनका आकार बहुत छोटा होता है और आय इतनी कम होती है कि परिवार कठिनता से ही अपना भरण पोषण कर पाता है। मजदूरों का पूरक। कृषकों को मजदूरों का पूरक माना जाता है। कृषकों और श्रमिकों को प्राय एक ही श्रेणी में रखा जाता है। कृषकों का विभिन्न वर्गों द्वारा शोषण होता है। एक ओर शोषित कृषक वर्ग आता है तो दूसरी ओर शोषक वर्ग। अब हम देखेंगे रॉबर्ट रेडफील्ड के विचार। रॉबर्ट रेडफील्ड ने पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर नामक अपनी कृति में कृषक समाज को परिभाषित करते हुए लिखा है कि वे ग्रामीण लोग जो जीवन निर्वाह के लिए अपनी भूमि पर नियंत्रण बनाए रखते हैं और उसे जोतते हैं, तथा कृषि जिनके जीवन के परंपरागत तरीके का एक भाग है, और जो कुलीन वर्ग या नगरीय लोगों की ओर देखते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं, जिनके जीवन का ढंग उन्हीं के समान है लेकिन कुछ सभ्य प्रकार का है। इस प्रकार रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार कृषक व अभिजात गण कृषक समाज के दो अर्ध भाग हैं। रेडफील्ड की कृषक समाज की इस परिभाषा के अनुसार दो प्रमुख तत्व सामने आते हैं। पहला है कृषक। रेडफील्ड ने उन छोटे उत्पादनकर्ताओं को ही कृषक माना है जो अपनी आजीविका और जीवन का ढंग भूमि जोतकर ही चलाते हैं। और नंबर दो, अभिजात गण केवल कस्बों नगरों में ही नहीं पाया जाता बल्कि ये गांव में भी पाया जाने वाला आकर्षक संपन्न वर्ग है। थियोडोर शनीन इस बारे में क्या कहते हैं? उन्होंने अपनी कृति पीजेंट एंड पीजेंट सोसाइटी में कृषक समाज की अवधारणा की चार विशेषताएं स्पष्ट की। नंबर एक, कृषक परिवार का खेत बहुआयामी सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई है। एक कृषक परिवार उपभोग उत्पादन की इकाई के रूप में कार्य करता है। कृषक के कार्य और अवकाश का केंद्र परिवार होता है। कृषक परिवार श्रम का प्रबंध करता है तथा खेत उपभोग की आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। नंबर दो, भूमि कृषि कर्म जीवन निर्वाह के प्रमुख साधन के रूप में, जिससे उपभोक्ता आवश्यकताओं के प्रमुख भाग की पूर्ति हो सके। कृषि के माध्यम से लोग अपनी आजीविका चलाते हैं और अपनी अधिकांश उपभोक्ता आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। भूमि से पृथक रहकर कृषक अपना अस्तित्व नहीं बना सकता। नंबर तीन, लघु समुदाय के जीवन के ढंग से संबंधित परंपरागत संस्कृति। कृषक समाजों की अपनी एक परंपरागत विशिष्ट संस्कृति होती है। यह संस्कृति लघु समुदायों के जीवन के तरीके से विशेष संबंधित होती है। नंबर चार, निम्न आर्थिक स्थिति। कृषक वर्ग पर बाह्य व्यक्तियों का प्रभुत्व। कृषकों व अभिजात वर्गों के मध्य वही संबंध देखे जा सकते हैं
जो शोषित व अभिजात वर्गों के मध्य पाए जाते हैं। इस प्रकार आज हमने कृषक समाज की अवधारणा को समझा, उसके बारे में विभिन्न विचारकों के विचार समझे। आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार।